साउथ इंडियन बैंक आज इनफैक्ट आप देखें 11-12% की यहाँ पर गिरावट है, और उसका बड़ा रीज़न है जो उनके एग्जिस्टिंग MD एंड CEO है मिस्टर मुरली रामाकृष्णन, उन्होंने दोबारा MD पोस्ट पर बने रहने से इंकार किया है। साउथ इंडियन बैंक एक फेवरेट स्टॉक रहा है, करीब 5-6 रुपये से एक्चुअली ये 22 रुपये तक गया था। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स इसके अंदर जुड़े हुए हैं, और उसका खास रीज़न ये रहा है कि जेन्युइनली जब बैंकिंग रैली चल रही थी और दूसरे बैंक्स भी चल रहे थे, ये स्टॉक भी चलने लगा और रीरेट हो गया, एक कंप्लीट पेनी स्टॉक से बढ़ गया, इसके अंदर अच्छे शेयर होल्डर आ गए। इसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि मिस्टर मुरली जो इसके करंट MD हैं, उन्होंने एक टर्न अराउंड किया था इसमें और नंबर्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होना शुरू हो गए थे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स इम्प्रूव हो रहे थे। हमारे सोर्सेज ये बात कह रहे हैं अब कि ये जो कल शाम का जो अनाउंसमेंट आया है एक्सचेंजेस के ऊपर कि बोर्ड ने करंट MD के दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो सितंबर के बियॉन्ड एक्सटेंड नहीं करना चाहेंगे, तो इससे आज बाजार परेशान हो गया और एक टाइम पे तो सुबह आधे घंटे में स्टॉक 16% नीचे गिरा, अभी ये 12% नीचे है, थोड़ा रिकवर कर गया है। क्योंकि हमारे सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि 11 बजे आज एक प्रेस मीट है थोड़ी देर में, और बैंक उस प्रेस मीट में ट्रांजिशन के बारे में बताएंगे कि जो करंट MD वो जाएंगे तो न्यू MD कौन आएंगे, और उसमें हैंड होल्डिंग होगी, एक स्मूथ ट्रांजिशन होगा, कोई एक एडहॉक एक शॉर्ट टर्म टाइप का कोई मूवमेंट नहीं है ये, तो ये एक तो पहली बात बताएंगे। दूसरा, जो नामी ग्रामी हेड हंटिंग एजेंसी है हंट पार्टनर्स, उनको नियुक्त किया गया है इस नए MD की खोज में, वो बोर्ड के साथ और मुरली जी के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं और वो नए MD को खोजेंगे, कैंडिडेट को भरेंगे, और ये कैंडिडेट इंटरनल कैंडिडेट भी हो सकता है जिनको मुरली जी ग्रूम कर रहे हैं पिछले कई महीनों और सालों से, ये एक्सटर्नल कैंडिडेट भी हो सकता है। फाइनेंशियल सर्विसेज की फील्ड में कोई कमी तो है नहीं टैलेंटेड लोगों की, तो उस पर काम चल रहा है और एक स्मूथ ट्रांजिशन होगा और वो जल्द से जल्द भरी जाएगी पोजिशन, और 3-4 महीने, अब सितंबर की बात कर रहे हैं, अभी हम मार्च अप्रैल में, इस समय के दौरान मुरली जी नए कैंडिडेट के साथ क्लोजली काम करेंगे अपनी सारी स्ट्रैटेजी और ग्रोथ स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने में, और ये ट्रांजिशन होगा। तो ये शेयर होल्डर्स के लिए कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, जिस हिसाब से स्टॉक गिर रहा है कि MD साहब कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, MD साहब अपनी ज़िंदगी को आगे जीना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ समय बिताना चाहते हैं, बट वो इंश्योर करेंगे कि एक कायदे का कैंडिडेट उनकी जगह ले और उनकी मदद भी करेंगे फिट इन करने में। तो ये सारी चीज़ें आपको 11 बजे मिलेंगी और डिटेल्स मिलेंगी, जिससे शेयर होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा आश्वासन मिलेगा।